गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत पर पुलिस ने एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में कनावनी चौकी प्रभारी अमित कुमार को भी सस्पेंड कर दिया है। दरअसल ऑटो चालक के साथ पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर मारपीट करने का आरोप लगातार मृतक के परिजन लगाकर हंगामा कर रहे थे। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया था। वहीं अब पुलिस ने तहरीर के आधार पर कनावनी पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अमित कुमार सिपाही रविंद्र व दो अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ देर रात गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। मृतक धर्मपाल पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह निवासी काजीगंज के परिजनों द्वारा दिनांक 9/1/2023 को थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करा दी गई है। पूरी घटना की मेडिकल इंक्वायरी कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई जल्द की।